नमस्कार न्यूज आज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैभव। दतिया में बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने 22 नवंबर को होने वाली बाल संसद की तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट में बैठक लेते हुए आयोग के अध्यक्ष ने आयोजन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसमें तकरीबन 5000 से ज्यादा बच्चे शामिल होंगे। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने 22 नवंबर को होने वाली बाल संसद की जानकारी दी। बाल संसद में बच्चों से ताल्लुक़ रखने वाले कानून, समस्याएं, अभिभावकों और बच्चों के बीच तालमेल, बच्चों के प्रति उनके व्यवहार और नज़रिए जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। बाल संसद में शासकीय और निजी स्कूल के करीब 5000 बच्चों के साथ पुलिस, शिक्षा विभाग, महिला सशक्तिकरण समेत सामाजिक संस्थानों के लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम का मकसद बच्चों में बढ़ रही अपराध की प्रवृत्ति, नशे की लत, शिक्षा से दूरी और कुसंस्कार से बचाकर उन्हें सम्मानित व्यक्ति बनाना है। 22 नवंबर को एक बच्चों की संसद करें, इसको बाल संसद कहते हैं। बाल संसद के आयोजन के संबंध में आज एक मीटिंग रखी गई है और ये बाल संसद अपने आप में एक विशेष बाल संसद होगी, जिसमें बच्चों से संबंधित कानून, बच्चों की समस्याएं, बच्चे और अभिभावकों के बीच की समस्याएं, अभिभावकों को बच्चों को ठीक से ना समझ पाना या बच्चों को अभिभावकों के बीच में ना समझ पाने की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन सब पर बच्चे खुल करके अपने विचार रखेंगे और उसका स्वरूप संसद के रूप में होगा। 22 नवंबर को अपनी बाल संसद का आयोजन दतिया में किया जा रहा है। इस संबंध में बाल आयोग के अध्यक्ष श्री राघवेंद्र शर्मा जी ने बैठक ली। इसमें स्कूली शिक्षा विभाग और अन्य स्कूल संचालकों तथा पुलिस विभाग का सहयोग लेने का प्रयास किया गया और इसमें स्कूल संचालकों को बताया गया है कि आपको कितने बच्चे लेके आना है, नेता प्रतिपक्ष तैयार कैसे करने हैं, सारी चीज़ों विस्तार से इस पर चर्चा हुई। 545 बच्चे साथ साथ में 5000 बच्चों को और बुलाया, स्कूल बच्चों को बुलाया जा रहा है, वो देख सकें कि संसद का प्रारूप कैसा होता है अंदर बाहर। तो उस अंदर बाहर प्रारूप को उनसे रूबरू कराने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। दतिया से राजेंद्र पटवा, न्यूज आज। इसी के साथ देखते रहिए न्यूज आज और बने रहिए हमारे साथ।